Hi everyone, my name is Shivansh Basin. Welcome back to the channel, The Investrology. So guys, आज की मार्केट बहुत ज्यादा अच्छी गई थी, बहुत टाइम तक साइडवेज रही थी, बहुत बोरिंग मार्केट थी. उसके बाद इवेंचुअली एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट हमें देखने को मिला एक पैटर्न का, एंड आफ्टर दैट एक फॉल हमें दोबारा देखने को मिल गई. तो मार्केट बहुत ज्यादा ही डाइसी थी. अब ट्रेड कैसे लिया हम लोगों ने, क्या क्या चीज़ों में हम लोगों ने ट्रेड लिया, कैसे हम लोगों ने अपॉर्चुनिटीज फाइंड करी है, सारी चीज़ हम लोगों ने अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर ऑलरेडी बता रखी थी. हम लोगों ने बैंक निफ्टी को बाय भी करा था और उसमें हमें अच्छा प्रॉफिट भी हुआ था, रैली अच्छी गई थी, स्टॉक्स भी हम लोगों ने थोड़े बहुत ट्रेड करे हुए हैं. तो प्लीज़ अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा तो आप लोग एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं एंड पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं. तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप लोगों को ऑलरेडी लिंक मिल जाएगा, जाके सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पर अपना ज्वाइन करिए हमारे चैनल को. अब बात करते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट चीज की. सो गाइस, हम लोग अपना दोबारा एक वर्कशॉप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आप लोगों के साथ, जिसपे हम लोग एक चार्ट पैटर्न पे आप लोगों को मास्टरी करवाएंगे, जिसपे आप लोग डेफिनेटली मार्केट के अंदर एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं. और ये वैसा सिंपल चार्ट पैटर्न नहीं होने वाला, इस पर आप लोगों को 110% ऐसी नॉलेज प्रोवाइड होने वाली है जो ना कि आपको यूट्यूब ना कि आपको इंटरनेट के अंदर मिलने वाली है. सो गाइस, स्टे ट्यून्ड. 9-10 तारीख को हम लोग एक फ्लैग पैटर्न का वर्कशॉप लेकर आने वाले हैं, जिसका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है. आप लैंडिंग पेज पर डायरेक्टली चले जाएंगे, वहां पर आप सब कुछ रीड कर सकते हैं कि हम आपको क्या क्या प्रोवाइड करवाने वाले हैं उस पर्टिकुलर फ्लैग पैटर्न के वर्कशॉप के अंदर. और ये मनी बैक गारंटी होने वाला है. इसके अलावा 9 अप्रैल को हम लोग एक साइकोलॉजी का वर्कशॉप करने वाले हैं, और वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइस. तभी हम लोगों ने साइकोलॉजी पहले रखा है, उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस का वर्कशॉप रखा है. तो अगर आप लोग ज्वाइन करने में डेफिनेटली इंटरेस्टेड है तो सबसे पहले दोनों लैंडिंग पेज को जाके चेकआउट करिए, क्या क्या हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं वो जाके चेकआउट करिए. और अगर पसंद आता है तो आप दोनों को ही ज्वाइन करिएगा, बिकॉज इससे आपकी जो नॉलेज है उसकी स्ट्रेंथ और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी. अब ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, चलते अपने ट्रेडिंग सेटअप पे और देखते हैं कि कल क्या मार्केट पे कर सकते. तो हम लोग अपने ट्रेडिंग सेटअप पे आ चुके हैं. सबसे पहला स्टॉक है टाटा कंज्यूमर. टाटा कंज्यूमर आज ऑलरेडी हम लोगों ने प्रोवाइड करवाया हुआ है, और इस पर्टिकुलर स्टॉक पे बहुत अच्छा वीकली टाइम फ्रेम के अंदर ब्रेकआउट आया और अब एक अच्छी रैली दे रहा है. आई पर्सनली थिंक ये अपने प्रीवियस हाइज को भी ब्रेक करके ऊपर जा सकता है, जिस तरीके से इसका ट्रेंड है. अगर आप क्लियर बेसिस पे देखोगे तो एक अच्छा ट्रेंड चलते हुए हमें देखने को मिल रहा है 2020 से, और एक अच्छा बुलिश मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है. आफ्टर दैट एक अच्छी अप मूव आने के बाद इसने कुछ टाइम तक पॉज लिया और एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है. डेफिनेटली गाइज, ये पर्टिकुलर स्टॉक जो अभी 800 रुपये के आसपास चल रहा है, बहुत ईजिली 900 के लेवल को भी क्रॉस कर देगा और अपना न्यू लाइफ टाइम हाई भी ये क्रिएट कर सकता है. इसका हमने ऑप्शन भी सजेस्ट करा हुआ है कि हम लोग अप्रैल का बाय कर सकते हैं, और आई थिंक अच्छे रिटर्न्स दे सकता है. बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी, अगर आप लोग ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते तो इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी मेंटेन करके रखो. मुझे डेफिनेटली गारंटी दे सकता हूँ कि जिस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है वहाँ पर हम एक अच्छी अपमूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं. बात करते हैं अपने सेकेंड स्टॉक की. हमारा दूसरा स्टॉक है एल्कामाइन. एल्कामाइन में भी सेम टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बना हुआ है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. जो अभी तक हम लोगों ने देखा था पहला स्टॉक, वो भी एक बुलिश फ्लैग एंड पोल पैटर्न था, और वीकली टाइम फ्रेम के अंदर एग्जैक्टली ये भी एक बुलिश फ्लैग एंड पोल पैटर्न है. वीकली टाइम फ्रेम के अंदर आप सिंपल देख सकते हो इसकी रैली. अगर मैं आपको दिखाना भी चाहूँ तो 2020 अप्रैल की मार्च की बात कर रहा हूँ, जब ये 450 रुपये पे ट्रेड करता था, और इसने जो ऑल टाइम हाई क्रिएट करा है वो 4500 का करा है. यस गाइस, एक अच्छी रैली देने के बाद अब इसने पॉज लिया है. कितने टाइम का पॉज लिया है, ऑलमोस्ट आप मान के चल सकते हो कि 9 से 10 महीने तक का इसने एक रिट्रेसमेंट लिया है, एंड आफ्टर दैट एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट करने के बाद अब ये ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है. इस पर्टिकुलर स्टॉक का जो करंट प्राइस है दैट इज अराउंड 33-40 के आसपास है. बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी इसके अंदर भी है, और डेफिनेटली ये 4000 के लेवल को भी क्रॉस कर सकता है विद इन अ मंथ और 1.5 मंथ्स के अंदर. तो इसको भी वॉचलिस्ट के अंदर जरूर रखिएगा. अभी दो स्टॉक जो मैंने दिए हैं एज ए इंट्राडे ट्रेड आपको नहीं दिए हैं, बिकॉज इसके अंदर एक ज्यादा अच्छी ग्रोथ दिख रही थी. तो आई तो सजेस्ट किया आप लोगों को ये सबसे पहले देना चाहिए, जिसपे आप एज अ स्विंग ट्रेड एक अच्छा रिटर्न कमा सकते हो. अब बात करते हैं अपने लास्ट स्टॉक की. हमारा लास्ट स्टॉक है एक्सिस बैंक. अब ये एज अ BTST ट्रेड बन सकता है. शायद कल अगर इंट्राडे में अपॉर्चुनिटी ना मिले तो आई थिंक BTST ट्रेड ये डेफिनेटली बन सकता है, बट इसे ऑब्जर्व जरूर करना पड़ेगा. ठीक है, ये पर्टिकुलर स्टॉक हम लोगों ने आज भी दिया था और पहले भी दिया था, मतलब 2 दिन पहले ही हम लोगों ने शायद दिया था, कल या 2 दिन पहले ही हम लोगों ने दिया था ये पर्टिकुलर स्टॉक. आप देख सकते हैं एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न इसके अंदर बना, एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट इसने दिया. यहाँ पर एक मल्टीपल रेजिस्टेंस है जो कि 808 और 815 के आसपास आ रही है. अब इस पर्टिकुलर पैटर्न का अगर हम यहाँ देखें तो एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ इस लेवल पे, जो एक गैप था ना, इस गैप में यहाँ पर इसने थोड़ा सा पॉज लिया था और यहाँ पर रीटेस्ट करके ऊपर गया था. ठीक है, अब क्या हो रहा है, ये डेफिनेटली आज मार्केट नीचे गिरी है, बैंक निफ्टी नीचे गिरा तो उसके साथ भी ये नीचे आया है. अब यहाँ पे दो टाइप ऑफ सिनेरियो बन सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर जो मेरी थिंकिंग होती है अभी जो मैं एनालिसिस करूंगा बैंक निफ्टी की, वो मुझे लगता है कि कल बियरिश आने वाली है,
तो आई थिंक ये नीचे आ सकता है, अदरवाइज मुझे लगता है कि नीचे खुल के टर्न अराउंड कर जाएगा तो हमारे यहाँ पर स्ट्रैटेजी अलग हो सकती है। अब यहाँ पर दो टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी है, बट यहाँ का सिस्टम एक ही है, क्या है, बायो डिप्स। अब हमें पता चल गया ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल का सपोर्ट है और एक ये लेवल स्ट्रॉन्ग लेवल का सपोर्ट है। बाई चांस अगर कल खुलता ही इस लेवल के नीचे है ना, इसके नीचे खुलता है 775 के नीचे, तो क्लियर हम लोग वहां पर कोई ट्रेड नहीं लेंगे और सिंपल वेट करेंगे कि जब इस लेवल पे टेस्ट करेगा और यहां पर हम लोगों को लोअर टाइम फ्रेम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक रिवर्सल दिखेगा तो हम लोग अपना एंट्री ले लेंगे। वो भी मैं लाइव मार्केट पे आपको अपडेट कर दूंगा जब मेरे को लगेगा कि बाय करने का टाइम आ गया। दूसरी चीज, कल खुलता ही इसी लेवल पे है और नीचे आया इस लेवल से रिकवर कर रहा है और हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी भी रिकवर कर रहा है तो हम इस लेवल से भी बाय कर सकते हैं और इसके नीचे का एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन कर सकते हैं। हमारा टारगेट होगा ऑलमोस्ट अराउंड 805 से लेके 810 रुपीज का, जो कि इजिली हमें देखने को मिल सकता है। तो ये पर्टिकुलर स्टॉक है एक्सिस बैंक, तीन स्टॉक्स की बात कर ली, अब निफ्टी, बैंक निफ्टी, ओपन इंटरेस्ट डाटा, तीनों की बात कर लेते हैं। सो हमने निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया, यहाँ पे ना आज एक इंटरेस्टिंग चीज मुझे देखने को मिली है, शायद ये इफेक्ट कर सकता है बट माइंड में जो साइकोलॉजी है उसको कंट्रोल करके रखना, ठीक है, ज्यादा एजम्पशंस लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होगी यहाँ पे। अगर आप देखोगे ये सबसे पहला इसका एक हाई था एंड इस हाई पे जस्ट गिव मी अ सेकंड, या इस हाई पे हम लोगों ने देखा एक फॉल आया, कंटिन्यूस फॉल नहीं आया, एक लोअर लो लोअर हाई क्रिएट करते करते हायर हाई, एक कमीज की फॉल आई, ठीक है, आफ्टर दैट एक अच्छी रिकवरी आई, बहुत अच्छी रिकवरी आई है, ठीक है, ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस रिकवरी आई है। उसके बाद इसने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करा, नीचे आया इस लेवल तक एंड उसके बाद इसने अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करा और यहां पर इसने क्लोजिंग कर दी, सेम टाइप ऑफ क्लोजिंग हुई। आप देख रहे हो जिस तरीके से फॉल आया है एग्जैक्टली उसी तरीके से फॉल आया है, जिस तरीके से रिकवरी आई है एग्जैक्टली उसी तरीके से रिकवरी आई है। अब अगर आप देखोगे तो यहां पर भी एक लोअर लो क्रिएट हुआ है। अब यहां पर दो टाइप ऑफ सिनेरियो है, जब यहां पर एक फॉल आना स्टार्ट हुआ था, एक अच्छी फॉल आई, छोटा सा पुल बैक आया और एक बड़ी फॉल आई, यहां पर एक कंटिन्यूस फॉल देखने को मिली। यहां पर हमें चेक करना है कि किस तरीके की फॉल हो सकती है। सो रिमेंबर दैट ये जो हाई है, ये आप जो हाई देख रहे हो, इस हाई के ऊपर जब तक नहीं निकलेगा, यानी कि 18,100 के ऊपर नहीं निकलेगा, मैं अपना एक फ्रेश बाय एंट्री नहीं लेने वाला। अदरवाइज मैं बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी पे एज अ इंट्राडे ट्रेड कर सकता हूं बट नॉट एज अ होल्डिंग पर्पस के लिए मैं निफ्टी को ट्रेड करूंगा बिकॉज ऑफ द साइकोलॉजी जो हमें चार्ट्स के अंदर शो कर रही है। आप क्लियर बेसिस पे देख सकते हो यार, जिस तरीके से ये फॉल आया एग्जैक्टली वैसा फॉल आया, जिस तरीके से रिकवरी आई है एग्जैक्टली ऐसी रिकवरी देखने को मिल रही है। दैट मीन्स कि अगर ये भी लोअर लो दोबारा बना, लोअर हाई क्रिएट कर रहा है, दैट मीन्स कि फॉल करके लोअर लो भी बना सकता है। बट मैं आप लोगों को उस तरीके का घबराने वाली वो नहीं दे रहा कि आप लोगों ने बाय करा हुआ है तो हम क्या करें, चेक करने अभी कोई आपका वैसा सिग्नल नहीं दिया कि यहाँ पर अब बहुत बड़ी फॉल आ सकती है, कोई सिग्नल नहीं है, सिर्फ हम पास्ट के डाटा को रिलेट करके आपको बता रहे हैं, तो कोई माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट करने की बात नहीं है। अब एक बार चलते हैं 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिख रहा है एज अ ट्रिपल टॉप। अभी ट्रिपल टॉप दिख रहा है तो मैं एक ज़ूम करके चल सकता हूँ कि ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। अगर कल इसके नीचे जाती है मार्केट तो डेफिनेटली एक बड़ी फॉल हमें देखने को मिल सकती है और ऑलमोस्ट हमें अच्छे टारगेट्स ये लेवल्स के देखने को मिल सकते हैं। अब आती है तीसरी चीज, अगर बाय चांस ये इसी लेवल पे ओपन होता है तो यहाँ पर बायर्स और सेलर्स दोनों के बीच में फाइट हो सकती है, तो शायद मार्केट थोड़े टाइम साइड में रहे, उसके बाद जो भी कैप्चर कर पाएगा मोमेंटम को वो ऊपर ले जाएगा या फिर नीचे ले जाएगा, वो चीज़ चेक करनी है। बट अगर गैप डाउन आता है तो हमें चेक करना है, अगर इसके नीचे आता है तो सिंपल शॉर्ट है और अगर इस लेवल के नीचे आता है तो हम एक बार वेट करेंगे पुल बैक की और तब शॉर्ट करेंगे। वो भी मैं लाइव मार्केट पे टेलीग्राम चैनल पे आपको अपडेट जरूर दे दूंगा, अदरवाइज मैं कल 2 बजे के आसपास लाइव भी आने वाला यूट्यूब पे, तो आपको वहां पर भी नॉलेज सारी मिल जाएगी। एक बार बात करते हैं बैंक निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट डाटा की एंड इस वीडियो को एंड करते हैं। तो गाइस अगर अभी तक आपको सब समझ में आ रहा है बहुत इजीली तो इसी तरीके से आप लोगों को पढ़ाया जाएगा हमारे वेबिनार में और आई कैन 110% गारंटी हूँ कि आप वहां पर बहुत कुछ सीखने वाले हैं जो आपको यूट्यूब और आपको इंटरनेट सर्फिंग पे तक नहीं मिल सकता। सो आप जरूर जाके वहां पर साइन अप करिएगा और टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत करिएगा। चलते हैं अपने बैंक निफ्टी के सेटअप पे। सो बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन हो गया, यहाँ पर कुछ ज्यादा उस तरीके का स्ट्रक्चर हमें देखने को नहीं मिल रहा जो निफ्टी में देखने को मिल रहा था, बट सिंपल सी बात तो यार यही है कि यहाँ पर ये प्रीवियस हाई था एंड उसके बाद एक प्रीवियस हाई ये क्रिएट हुआ और आज के दिन ये क्रिएट हुआ है, तो हमें चेक बस यही करना है कि क्या ये सस्टेनेबल है, क्या ये कंसिस्टेंट है कि नहीं है। दूसरी चीज, अगर मैं इसको रिमूव भी कर देता हूँ, लेट्स सी कि हम इसको रिमूव कर देते हैं, हमें ज़्यादा टेंशन की नीड तो बिल्कुल है ही नहीं। हम यहाँ पर एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एक बहुत अच्छा जब ये ब्रेकआउट एक अपमूव आई थी ना, उसने एक रिट्रेसमेंट लिया था,
ठीक है, रिट्रेसमेंट लिया 38% का, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि ये जो एक अपमूव आई है इसका भी 38% तक तो इजिली ले सकता है रिट्रेसमेंट। सो मैं मान के चल रहा हूँ कि इस लेवल तक का एक रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिल सकता है, यानी कि 37,350 तक भी जा सकता है बैंक निफ्टी। और इट दैट डजंट मीन कि यहाँ पर एक फॉल आना स्टार्ट हो गया, वो आना स्टार्ट हो गया, जस्ट अ रिट्रेसमेंट। ये देख रहे हो एक अपमूव आई, यहाँ पर अगर हम लोग एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि अब दोबारा फॉल आ गया, नीचे डबल बॉटम बन जाता, तो हम एक्चुअल में लॉस बुक करके निकलते हैं। बट हमें ये चीज़ समझनी है कि एक हायर हाई क्रिएट हो रहा है, तो दैट मीन्स एक हायर लो भी क्रिएट होना बनेगा। सो अगर एक हायर लो क्रिएट होएगा तो दैट मीन्स इसको एक रिट्रेसमेंट करना है, एक फॉल करनी है, तभी तो एक ऊपर की तरफ छलांग मारेगा। सो ये चीज़ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि हमें एक पास में कुछ और दिखा रहा है, इसमें कुछ और दिखा रहा है, तो आपको बहुत सिस्टमैटिकली अपनी साइकोलॉजी पे भरोसा रख के ट्रेड लेना पड़ता है, और जो डाटा दिखा रहा है उसके साथ अपनी साइकोलॉजी को रोल प्ले करके आपको अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करना पड़ता है। यही सारी चीज़ें हमें आपको इस वीडियो में बता रहा था कि आप समझ पाओ कि कितना इंपॉर्टेंट रोल है साइकोलॉजी का और चार्ट पैटर्न का। सो अब एक बार चलते हैं ओपन इंटरेस्ट के डाटा की तरफ और चेक करते हैं कि क्या डाटा शो कर रहा है। वीकली टाइम फ्रेम ओपन कर दिया है, यहाँ पर ना बहुत ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला है लास्ट आवर के अंदर। अगर आप चेक करोगे तो ऑलमोस्ट पुट चेंज नेगेटिव 3.8 मिलियन हो गया और कॉल चेंज बहुत ज्यादा ही इंक्रीज हो गया, यानी कि जितने भी पुट राइटर्स एक सपोर्ट के बेसिस में बैठे हुए थे वो सब एग्जिट कर चुके हैं, पुट बाइंग होना स्टार्ट हो गई है, क्योंकि जब सेल वाली चीज को खरीदेंगे तो आप समझ सकते हैं। एंड कॉल चेंज यानी कि कॉल राइटर्स एक्टिव हो रहे हैं, यानी कि कॉल सेलर्स और ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं, और बड़े बड़ी स्ट्राइक प्राइस पे और क्लोजर स्ट्राइक प्राइस पे। तो हैवी पोजीशन 18,000 के आसपास बन चुकी है, और उससे डेफिनेटली कल नीचे गैप डाउन तो देखने को मिलने ही वाला है, तो हम डेफिनेटली एक अच्छी सेल साइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो ऑलरेडी मैंने बता दी थी टेलीग्राम चैनल पे कि अब टाइम आ गया अपने लॉन्ग्स को स्क्वायर्ड ऑफ करने का और एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करने का। आई होप बहुत सारे लोगों ने करी होगी, मुझे स्क्रीनशॉट्स भी भेजे थे। लेट्स सी अगर कल गैप डाउन आता है तो अच्छे प्रॉफिट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। सो क्लियर डाटा यार आपको यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि जहाँ पर जितने भी रेड बार्स हैं सारे कॉल राइटर्स हैं, यानी कि ऊपर जाने के जो चांसेस हैं दैट आर वेरी लिमिटेड। और 18,000 और 17,950 के आसपास अगर मार्केट रहती है तो कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स के बीच में फाइट हो सकती है, तब हम डिसीजन ले सकते हैं कि कहाँ ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। बट अगर गैप डाउन आ गया तो डेफिनेटली मार्केट नीचे ही जानी है, सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी कल की मार्केट हमें जरूर देकर जाएगी। इसके अलावा वीकली बैंक निफ्टी को चेक करें तो सिंपल पुट राइटर्स तो और ज्यादा गायब हो गए हैं, -5.1 मिलियन है कि पुट राइटर्स पूरे ही गायब हो गए। कॉल राइटर्स अगर आप देखोगे तो ज्यादा बड़ी एडिशन हमें देखने को मिली है। इसके अलावा 38,500 पे तो कॉल राइटर्स पूरे के पूरे गायब हो चुके हैं। अब जो पुट राइटर्स बचे हुए हैं वो 37,800 पे बचे हुए हैं, आई थिंक वो कल खुलते भी टूट सकता है। अगर वो टूटता है तो नीचे कोई सपोर्ट नहीं है, हम जो एग्जामिन करके चल रहे थे अपने टारगेट्स एग्जैक्टली वो देखने को हमें मिल सकते हैं। और हैवी पोजीशंस एग्जैक्टली 38,500 एक रेजिस्टेंस रहने वाला है, तो सिंपल सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी कल हमें देखनी है। बट रिमेंबर दैट अगर खुलता इसी लेवल पे है तो कुछ चेंज हमें देखने को मिल सकता है, अदरवाइज तो सेल ऑन राइज है। सो गाइस हैव अ वेरी गुड डे, आई होप आपको वीडियो पसंद आई। प्लीज डू लेट अस नो इन अ कमेंट सेक्शन की वीडियो कैसी लग रही है, कुछ समझ में आ रहा है, क्या चेंजेस और लेकर आ सकते हैं। और प्लीज डू ज्वाइन दैट पर्टिकुलर बोथ द वेबिनार्स, बिकॉज वही आपकी मार्केट की जर्नी को फुल टू चेंज कर सकता है और आप एज अ कंसिस्टेंट ट्रेडर मार्केट में एंटर कर सकते हैं। इट्स अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। हैव अ वेरी गुड डे गाइस, बाय।